सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है ईविल क्लब गेम में। तो गाइस, आज मैं एक ऐसी गेम के बारे शुरुआत करने जा रहा हूँ जो गेमिंग लिस्ट के ट्रेंडिंग पेज पर अभी तक बना हुआ है और इसका नाम है माइनक्राफ्ट। तो गाइस, ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। तो गाइस, हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर डेकोरेशन हमें पसंद है तो हम डेकोरेशन कर सकते हैं, अगर हमें एडवेंचर पसंद है तो हम एडवेंचर कर सकते हैं, और भी गाइस हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम इस गेम को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, मुझे सबसे पहले अपने एक वर्ड का अच्छा सा नाम दे देना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक अपने वर्ड का अच्छा सा नाम देना है, तो मैं यहाँ पर अपने वर्ड का नाम दे देता हूँ ईविल क्लब, क्योंकि गाइस अपने चैनल से एक मिलता जुलता नाम हो जाएगा। सुबह जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ईविल क्लब जो है नाम दे दिया है। तो जल्दी से हमें क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी सीड नहीं डाला अभी तक, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई तूने चीटिंग की है, तूने सीड डाला। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कोई भी सीड नहीं डाला है, तो मैं जल्दी से क्रिएट पर क्लिक कर दूँगा। सो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक जगह पर जो है स्पॉन हो चुका हूँ। तो चलिए जल्दी से हम वुड चॉप करना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, मेरे सामने काफ़ी सारे पेड़ हैं और मैं जल्दी से पेड़ काट लेता हूँ। सो ओके गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास 25 ब्रिज लॉग हो चुके हैं। मैं चाहता तो ओक के भी पेड़ काट सकता था, मगर वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो मैंने ब्रिज के ही लॉग काट लिए। तो चलिए जल्दी से मैं एक क्राफ्टिंग टेबल अपने लिए बना लेता हूँ। तो उससे पहले मुझे ब्रिज लॉग के जो है ब्रिज वुड प्लैंक बनाने पड़ेंगे। तो जल्दी से मैं सारे के सारे प्लैंक निकाल लेता हूँ और अब मैं बनाऊँगा क्राफ्टिंग टेबल अपने लिए। तो ये हमारी क्राफ्टिंग टेबल आ चुकी है और इस पर मैं तो अपने लिए थोड़े से टूल्स बना लूँगा, जैसे कि एक्स वगैरह और स्पोर्ड और पिकैक्स। ये तीन जो टूल्स हैं थोड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर हमें ये काम आएंगे। तो उनको बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी स्टिक्स बनानी पड़ेंगी। और ये देखिए, हमारी जो वुडन स्पोर्ड वो आ चुकी है, और एक वुडन एक्स बना लेता हूँ और एक वुडन पिकैक्स। तो चलिए जल्दी से, अब गाइस मुझे एक बेड चाहिए, तो मुझे सामने एक शीप दिख रही है जिससे हमें वूल मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से एक शीप को मार। ओके गाइस, तो इससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक वूल मिली है, हमें दो शीप्स और चाहिए। तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मगर उसके लिए मैं अपने जो क्राफ्टिंग टेबल है उसे उठा लेता हूँ। सो ओके गाइस, मैं भागता उस साइड से इस साइड आ चुका हूँ, ये रिवर पार करके। तो मुझे सामने एक और शिप दिख रही है, तो मैं जल्दी से इसे मार देता हूँ। और वहाँ पर एक और शिप है, तो मैं उसे भी मारूंगा जल्दी से। तो मेरे पास पूरी की पूरी तीन वूल कलेक्ट हो चुकी है, तो मैं जल्दी से अभी एक बेड बना लूंगा अपने लिए, क्योंकि इधर रात को हमें इतना खतरा नहीं रहेगा, और अगर मोब आ गए तो मैं जल्दी से मर जाऊंगा अभी इधर ही। और गाइस, हम एक अच्छी जगह स्पॉन हुए हैं, मतलब एकदम खुला एरिया है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ और बेड बना लेता हूँ। तो गाइस, ये देखिए हमारा बेड आ गया यहाँ पर, और मैं अपने लिए एक चेस्ट भी बना लूँ। तो गाइस, हमारी चेस्ट भी आ गई, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना सामान रख सकूंगा इसमें। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ अभी मैं अपने लिए थोड़ी माइन करूँगा, क्योंकि मुझे कोल भी चाहिए अभी और मुझे एक फर्नेस बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले वहाँ पर चलूँ, शायद हमें थोड़ा बहुत कोल वहीं से मिल जाए। बिना खुदे जो माउंटेन है वहाँ पर कोल मिलने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, हमें इतनी खुदाई नहीं करनी पड़ती, और यहाँ इस पे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस।
ओके गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इस पहाड़ को चढ़कर दूसरी साइड आ गया हूँ और यहाँ पर गाइस ये स्प्रूस वुड की बायोम आ गई है अब इधर, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ये देखिए गाइस कितना सारा कोल हमें यहाँ पर मिल गया है, क्योंकि गाइस ऐसी जगहों पर कोल मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वैसे कोल कोई रेयर चीज़ तो है नहीं, मगर शुरू शुरू में जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा रहता है। तो अभी दिन का भी कुछ पता नहीं कब रात हो जाए, तो मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए थोड़े से जो है कबल स्टोन भी ले लूँ, क्योंकि उससे मैं फर्नेस बना पाऊँगा। और देखिए गाइस रात भी हो गई है, तो मुझे जल्दी से अपने जगह पर वापस जाना पड़ेगा। जल्दी से जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी जगह पर वापस जाऊँगा। ओके गाइस, तो मुझे फर्नेस बनाने के लिए जो कबल स्टोन चाहिए थे वो हो चुके हैं पूरे, और अभी रात भी हो रही है, तो जल्दी से भाग लेता हूँ अपनी उसी जगह पर जहाँ पर मैंने बेड रखा था, क्योंकि काफ़ी सारे मोब मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। अभी उनसे स्पॉन होने के पहले मुझे अपनी जगह पर पहुंचना होगा। अरे भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस यहाँ पर उतरना भी, मगर मुझे अभी इमरजेंसी है तो ओके। सो गाइस मुझे मेरा बेड दिख रहा है अभी, तो मैं यहीं पर सो जाऊंगा। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिन हो चुका है और मैं बहुत ही आसानी से बच गया, तो अभी मैं अपने लिए एक बेड फर्नेस बना लेता हूँ। गाइस हमारे पास एक फर्नेस आ गया है और इसे मैं यहाँ पर रखूँगा, और कोल मैं इसीलिए लाया था क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है अभी। तो गाइस यहाँ पर एक कुक होके यहाँ पर आ जाएगा, ये मटन जो है जो मुझे शीप से मिला था, और उस साइड जो है स्प्रूस वुड की बायोम है तो काफ़ी बढ़िया हो गया, क्योंकि घर बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारी वुड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वुड्स का जुगाड़ तो हो गया काफ़ी सारी। और गाइस अगले एपिसोड में मैं थोड़े स्टोन के टूल्स बनाऊंगा और माइन पर जाएंगे गाइस हम अगले एपिसोड में। सो ये जो शुगर केन है इसे मैं उखाड़ कर सैंड पर लगा देता हूँ, क्योंकि गाइस ये सैंड पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी उगती है और इससे पेपर्स बनते हैं, तो गाइस आगे के लिए हमें ये काम आएगी काफ़ी ज़्यादा। और जल्दी से यहाँ पर सैंड पर लगा देता हूँ इन्हें, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर उग जाएगी। सो आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट गेमिंग एपिसोड में।